अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया यूट्यूब चैनल। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैंने बनाया है सेवर फूड पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि मुझसे इतना मज़ेदार बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने ले ली है 1 पाव चिकन गोश्त, बोनलेस लिया है, उसमें 1 पाव जाएगा बड़ा गोश्त, वो भी बोनलेस है। और उसमें टमाटर जाएंगे 2 कटे हुए, लहसुन के जवे 4 से 5, अदरक के और हरा प्याज जाएगा, और दूसरा प्याज जाएगा तकरीबन 2, और 6 से 7 हरी मिर्चें, और ये मसाला जात में सारा कुछ जाएगा। ये देखें, नमक, दरदरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी वगैरह हम पहले डाल चुके हैं, हल्दी, बादियान के फूल भी डाले हैं। तो ये देखें जी, ज़ीरा है, काली मिर्च, और ये अजवाइन। और इस पे हमने डाल देनी है चने की दाल, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी। इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और उसमें हमने डाल देने हैं 3 मग पानी के, और इसको हमने 2 घंटे के लिए पकने के रख दिया। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये मैंने आपको पहले दी हुई है रेसिपी, इसलिए यानी कि पहले मैं आपको दे रही हूँ। इसको हमने 2 घंटे के लिए पकाने के बाद अच्छी तरह दाल और गोश्त को हमने गाल लेना है, और पानी इसका अच्छी तरह खुश करना है, इस कंडीशन में ले आना है। और साथ साथ आपने इसको मदनी के साथ, या जो भी आपकी ज़ुबान में इसको बोलते हैं, घोटना भी कह देते हैं कई लोग, उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यकजान करना है। ये देखें, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपने बोर नहीं होना, पूरी वीडियो देखनी है। तो इसको हम निकालेंगे 1 बाउल में ऐसे बिल्कुल, और एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। अंडा ऐसे शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे तो भी ठीक है, तो अगर वैसे आप डिप करके अंडे में फिर टिक्की बनाएंगे, लेकिन उससे इतना कोई अच्छा कलर नहीं आता और इतना मज़ा नहीं आता। आपने अंडे को कोशिश करें कि इसके अंदर ही मिक्स कर लें सारी के अंदर। तो 1 पाव मैंने गोश्त लिया था, ये मैं याद नहीं रहा आपको बताने का, और 1 पाव ही दाल ली थी। तो चलिए जी, ये देखते हैं, इसकी हम टिक्की बना लेते हैं गोल शेप की, इस तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। तो मैं बना लूँ फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने। तो ये देखें जी, मैंने 4 टिक्कियाँ बना ली हैं। आप इसको तकरीबन 1 से 2 महीने तक इसको सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में, अगर मौसम ठीक है। जैसे कि आप सर्दियों में ठीक है तो ठीक है, ऐसे ही फ्रिज के बाहर रहने दें रूम टेम्परेचर में भी। गर्मियों में आप 3 से 4 गर्मियों में इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं निचले खाने पर। तो चलिए जी, जो घी है हमारा वो पहले गर्म हो चुका, तो उसमें हमने ये टिक्कियाँ जो हैं वो हमने रख ली हुई हैं। उनको जस्ट हमने पकाना नहीं है, पकी पहले हुई है, जस्ट अंडे को कलर देना है और इसको भी थोड़ा सा कलर देना है, बाकी सब कुछ ओके है, बस इतना ही इसको पकाना है। तो इसको हम निकालेंगे ऐसे बिल्कुल, इतना ही पकाना है क्योंकि सिर्फ सब चीज़ें पहले रेडी हैं। तो जस्ट अंडे को ही हमने कलर देना है, अंडे को थोड़ा सा पकाना है, बाकी सब कुछ पहले ओके था। तो 1 पाव मैंने दाल ली थी चने की, और 1 पाव ही मैंने बोनलेस चिकन लिया था, और 1 पाव ही मैंने बड़ा गोश्त लिया था। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो कबाब हैं वो हमारे बन चुके हैं, सेवर पुलाव जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं आगे जाके, सेवर फूड कबाब ये हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक ओके है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने लिया है चिकन का गोश्त, हड्डियों वाला और गर्दनों वाला चिकन का लिया है, तो इसकी हम यखनी बनाएंगे। तो नमक जाएगा इसमें 1 चम्मच, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, दरदरा मिर्च जाएगी, और लाल मिर्च पाउडर भी जाएगी इसमें, और बादियान का फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-2 टुकड़े ले लें आप, काफ़ी है, और तेज़पात आपने इसको 2 के डाला करना है, इसके ऊपर डस्ट होती है, 2 से 3 तेज़पात डाल देने हैं। और इसमें हमने डाल देना है 2 लीटर पानी, यानी कि 2 किलो पानी आप कह लें, अंदाजन भी आप ले सकते हैं। तो ये देखें जी, जिसको हमने चिकन लिया है
इसकी मैंने चेस्ट का पीस लिया है और लेग पीस लिया है और दूसरे पीस लिए हैं। तो इसको हमने पहले फ्राई कर लेना है ऐसे फ्राई पैन में। इसको हमने इसको कुछ नहीं लगाया, जस्ट धो के इसको अच्छी तरह से धो के मैं लेके आई हूँ। इसको धो लिया है, धोने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है घी में। आप ऑयल में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको घी में किया है। तो उसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको देखा है। तो ये देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसको हमने ठंडा करना है, अब निकाल के बाहर ठंडा करना है। अगर आपको बिल्कुल सेवर फूड जैसा जायका चाहिए तो इसको हमने ये देखें प्लेट में निकाल लेना है और इसको हमने ठंडा करना है, कंप्लीट ठंडा करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम इसको दही की तरफ ले जाएंगे। दही में इसको हमने डिप करना है, मुख्तलिफ चीज़ें डाल के, वो भी आपको बताती हूँ। गरम गरम में या नीम गरम में भी आपने बिल्कुल नहीं आगे स्टेप की तरफ लेके जाना, बिल्कुल पहले ठंडा कर लेना है। तो ये देखें जी, मैंने ले लिया है 130 ग्राम दही और इसमें हमने स्पाइसेस वगैरह शामिल करने हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन 1 चम्मच फुल भर के। और ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 चम्मच। और ये जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और नमक जाएगा। नमक आप हसबे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर जाएगी यहाँ 1 चम्मच और दरदरा मिर्च भी जाएगी 1 चम्मच और हल्दी भी जाएगी 1 चम्मच। तो यहाँ केचप जाएगी 1 चम्मच फुल भर के, अंदाजन मैंने चम्मच नहीं लिया लेकिन 1 चम्मच ही बनता है। तो अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दें। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें हमने जो चिकन हमने फ्राई किया है अभी, उसको इसमें मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए हमने रखना है, मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा। हमने गोश्त जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये देखें ऐसे इसके अंदर डिप करते जाना है। और इस सारे को मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेट मतलब इसको बस लगा के छोड़ दें, कि मैरिनेशन कोई अलग लफ्ज़ नहीं होता कि इसको कुछ और कोटा करना है। बस ये जो हमने डिप करना था दही में और मसाले में, ये हमने कर दिया और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ऊपर से कवर कर दें, छोड़ दें बस। तो ये देखें हम चावलों में जो हमने चीज़ें ऐड करनी है, तो मैंने 2 टमाटर ले लिए, उसको अच्छी तरह से मैंने दरदरा सा कूट लिया पानी की मदद से। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच। जो हमने चावल लेने हैं उसके लिए जो मसाला तैयार होने लगा है ये वो है। तो ये देखें नमक जाएगा तकरीबन 2 चम्मच। तो बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर हम और डाल लेंगे। तो दरदरा मिर्च 1 जाएगी 1 चम्मच जाएगी और लाल मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच जाएगा। तो ज़ीरा जाएगा और काली मिर्च साबुत, थोड़ी सी साबुत ही ज़ीरा है और ये ज़ीरा कुटा हुआ पाउडर की शक्ल में और ये खुश्क धनिया पाउडर। तो इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। जो सेवर के पुलाव होता है यानी फूड पुलाव, उनके चावल होते हैं वो बिल्कुल सादा से होते हैं, उसमें कोई चीज़ इतनी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होते, तो बस ऐसे ही होते हैं। तो ये देखें ये 2 बॉल हैं, ये तकरीबन 1 किलो बनते हैं, 2 बॉल मैंने चावलों के लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे भिगो देना है। चावल मेरे नए हैं घर में, घर के चावल हैं तो आप पुराने चावल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने एक देसकी को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल।
इसमें मैंने शामिल कर दिया है प्याज, इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। तो तब तक हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ब्राउन होने तक के लिए, और इसमें तेजपात देंगे, पात जाएंगे तेजपात दो अदद, और ये जाएगी दालचीनी और मोटी इलायची जो मसाले में होती है दो अदद, और तेज जो होती है दालचीनी वो जाएगी तकरीबन दो टुकड़े। तो दूसरी तरफ इसको हम कर लेते हैं ऐसे, काले होने देते हैं, ब्राउन की तरफ जाने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के ऊपर मैंने स्टैंड रख लिया है। अब जो गोश्त है, जो चिकन है, ये वाला जिसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा था, आधा घंटा गुजर गया है, तो इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे ऊपर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ली है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने नीचे पानी डाल दिया है, ऊपर उसके मैंने स्टैंड रख दिया है। तो इसको हमने तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है पानी के ऊपर, तेज़ आंच के ऊपर। तो ये मसाला जो बचा है ये हम उसके ऊपर डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। तो पानी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए स्टैंड के, बिल्कुल साथ ना टच हो, नहीं तो मसाला जो है वो पानी में सारा शामिल हो जाएगा। पानी स्टैंड के नीचे ही रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कवर लगा के रख देते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, हमारे पास हैं प्याज, हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो जो हमने मसाला टमाटर में तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, आराम से बनाया करें। सारी चीज़ें आपको मिलने करेंगी मेरे चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो यखनी है वो भी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। तो यखनी का जो जो एक डिब्बा बना है, तो बाकी जो है हम वो आम सादा पानी डालेंगे, तीन डालने हैं इसमें, दो थे हमारे चावलों के बॉल और इसमें हम तीन पानी के डालेंगे। अगर हम इसमें डबल पानी किया तो ये हमारा चावल जो पंजाबी में हमारी जबान में बोलते हैं पप्पा बन जाएंगे, तो पप्पा हमने नहीं बनाने, बिल्कुल हलवे की शक्ल बन जाएंगे, तो हमें वैसे चावल नहीं चाहिए। तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखें पानी उबल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। हिला के इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। और ये देखें जी, दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम हो चुका है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चावल इस कंडीशन में आ चुके हैं कि इसको अब दम लगा दिया जाए। 10 मिनट तक के लिए दम लगाना है इसको, ऐसे ही बस रहने दें। और ये जो हमने स्टीम किया था उसका कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा यानी कि फ्राई होने के लिए रख रही हूँ दोबारा, इससे बड़ी अच्छी शाइनिंग आएगी, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी जो हो गई हैं रेडी। तो चावल हम निकाल लेते हैं प्लेट में, तो बड़ी ही खुशबू आ रही है चावलों की, चिकन फ्राई की, और दूसरी तरफ जो हमने पहले कबाब बनाए थे उसकी। तो ऊपर इसकी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने पीस था वो हमने ऊपर रख देना है, बोटियाँ रख देनी हैं। ये सेवर फूड पुलाव की सुगात है। चावल में मैंने कोई इतना स्पेसिफिकली कुछ नहीं डाला, चावल जो होते हैं ये सेवर के ऐसे ही होते हैं। मैंने खुद इसको ट्राई किया था इस्लामाबाद में, तो बिल्कुल उनके ऐसे ही होते हैं। ये जो पीस डाल के देते हैं ये डिपेंड करता है कस्टमर की मर्ज़ी पे। तो ऊपर हम इसके कबाब रख देंगे, कबाब के बाद हम इसमें गोल गोल कटे हुए ब्रीक प्याज रख देंगे। तो आपने इसको ज़रूर ज़रूर करना है ट्राई, तो मुझे दे देनी है इसके साथ ही इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।